अस्सलाम वालेकुम। ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा मोबाइल्स में आता है कि जब हम कॉल मिलाते हैं तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हारी आवाज़ के साथ शोर सुनाई दे रहा है। ये फॉल्ट ज़्यादातर कीपैड मोबाइल्स में आता है। मेरे पास ये एक कीपैड वाला मोबाइल है और दूसरा टच मोबाइल। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉल मिलाकर मैं टच मोबाइल से कॉल रिसीव करने के बाद लाउड स्पीकर कैमरा के माइक के नज़दीक करूँगा और आप आवाज़ नोट करना। हेलो, ये आप सुन सकते हैं जी, लॉन्ग बीप टाइप की आवाज़ आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आपने सुनी होगी आवाज़ के साथ लॉन्ग बीप सुनाई देना। ये फॉल्ट ज़्यादातर कीपैड वाले मोबाइल्स में आता है। नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है या कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या होता है, इस मोबाइल का हल निकाल कर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं पहले मोबाइल को खोल लूँ, उसके बाद आपको लाइव प्रूफ के साथ फॉल्ट हल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले इसका माइक उतार देंगे। माइक उतारने के बाद हैंड फ्री जैक के इर्द गिर्द छोटे छोटे जो ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि हैंड फ्री जैक के ऊपर कितनी डस्ट इकट्ठी हो गई है। हैंड फ्री जैक और चार्जिंग जैक के इर्द गिर्द जो स्मॉल कंपोनेंट्स काफ़ी तादाद में लगे हुए हैं, उनको CTC और कॉटन से अच्छी तरह साफ करना है। ब्रश बिल्कुल नहीं लगाना और CTC की मकदार भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ कॉटन से जहाँ जहाँ डस्ट नज़र आ रही होगी उसको अच्छी तरह साफ़ करेंगे। और हैंड फ्री के जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इस बोर्ड में 3 पॉइंट्स इनर हैं जो बोर्ड के अंदर से गुजर रहे हैं, इनको काबिया से रिसोल्ड कर देंगे। रिसोल्ड करने के बाद अच्छी तरह सफाई करेंगे, कोई डस्ट या पेस्ट रह न जाए। और सफाई करने के बाद हार्ड एगन से यहाँ जहाँ CTC लगाई थी वहाँ से बोर्ड को हीट अप करेंगे ताकि CTC का असर ख़त्म हो जाए। दोबारा माइक वही लगा देंगे या नया लगा लेंगे, बेहतर है कि नया माइक लगाएंगे ताकि किसी भी किस्म का डाउट ना रहे। हेलो 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 हेलो। कॉल मिलाने के बाद मैंने वही काम किया है जो टच मोबाइल था, उससे कॉल रिसीव की है और लाउड स्पीकर खोलने के बाद जो कैमरा का माइक मैंने लगा रखा है उसके आगे किया है, तो उसमें डबलिंग हो रही है, आवाज़ डबल आ रही है। वो डबल आवाज़ इसलिए आती है कि दोनों जो मोबाइल्स हैं वो तकरीबन 2 फीट या 1 फुट के फासले पर है, दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर आ रही है एक ही वक्त में, लिहाजा दोनों मोबाइल्स को 10 फीट के फासले पर रखेंगे, दूर करेंगे एक दूसरे से, तो आवाज़ में डबलिंग नहीं होगी। लेकिन जो फॉल्ट था, जो लॉन्ग बीप ची की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो ठीक हो गई है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल 7 मोबाइल्स चनियोट सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया।